झांसी में पुलिस ने एक टेलर मास्टर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने टेलर की हत्या के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 21 जून टेलर संजय जोशी अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार संजय की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर ओम प्रकाश साहू नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो ओम प्रकाश ने पूरा राज खोल दिया। ओम प्रकाश ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि टेलर संजय उसकी पत्नी से बात करता है और उसी बात को लेकर उसका संजय से विवाद हो गया था, जो उसे नागवार गुजरा और उसने टेलर की हत्या करवा दी। इनकी इस पूरे कांड में सहयोग करने वाले सिम विक्रेता, जिसने फर्जी आईडी पे इनको सिम बेचा और इस हत्या में इनका सहयोग किया, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण का गहन इन्वेस्टिगेशन करके अनावरण किया गया और इसमें संलिप्त समस्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की। आखिर वजह क्या रही, क्यों सुपारी दी गई, क्या ऐसी बात? ये जो जिन्होंने सुपारी दी, ओम प्रकाश साहू, इनके ये लोग मंदिर जाते थे परिवार के साथ, तो इनका कहना था, इनको कुछ शक था इनके संजय जोशी पे कि इनकी पत्नी से वार्ता करते हैं। इस शक के आधार पे इनका आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद ओम प्रकाश साहू का कहना है कि मैंने ये ठान लिया कि इनको जो है रास्ते से हटाना है, और उन्होंने इन अपराधियों से संपर्क किया। 2 लाख रुपए में इनकी बात हुई। 5,000 रुपये इन्होंने वार्ता करने के पहले वार्ता किया, उस समय एडवांस दिया, और 1,95,000 रुपये जब हत्या करके ये लोग लौट करके आए, उन्होंने बताया कि हमने हत्या करके उसको ठिकाने लगा दिया है, तो बाकी का पेमेंट किया। इनको SR कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रेस बनवाने के लिए सिलाई कराने का ठेका देने के लालच दे करके इनसे वार्ता की गई। इनको बुलाया गया लाइट चौराहे पे, और उसके बाद इनको लेकर के गए कि हम SR कॉलेज लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद ले जा करके रास्ते में इनकी हत्या करके और इनकी डेड बॉडी सतना मध्य प्रदेश नगाँव थाना क्षेत्र के अंतर्गत। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ओम प्रकाश साहू ने काके उर्फ गुरविंदर को 2 लाख में संजय जोशी की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद हत्यारों ने संजय जोशी को ड्रेस सिलवाने का लालच देकर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर शव को मध्य प्रदेश के सतना जिले में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए झांसी से कुलदीप अवस्थी की रिपोर्ट।